की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? कोई मदद नहीं, झोपड़ी 20 बरस से है। झोपड़ी में है? झोपड़ी में भी डीएम पास करके गया तो इंदिरा आवास मिलता है सब गरीब मजदूर? नहीं मिला है तो डीएम पास करके आज तक नहीं मिला। जिला अधिकारी पास करके गया, महामहिम जो जिला के मालिक है वो पास कर नहीं मिला जी नहीं। ए हो डीएम साहब, इतना बेइज्जती करवाइएगा आप, कब की बात है? हो गया जो रोड अमराचक में बन रहा था ना, वही टाइम का है। तो डीएम साहब आदेश दिया कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में और ये फतेहपुर का मुख्यालय बाजार है। मैं इधर से कुछ काम के लिए क्रॉस कर रहा था लेकिन जब मैं यहाँ भीड़ देखा तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ रुक गया। यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ गरीब मजदूरों के लिए कंबल की वितरण की जा रही है। कैमरामैन इस भीड़ को दिखाएंगे, इस तस्वीर को दिखाएंगे, आप गौर से देखिए इस तस्वीर को। यहाँ पे जितने भी लोग खड़ी दिखाई पड़ रहे हैं वो आपको मजदूर और गरीब तबके के लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। चादर तो बदन पे है लेकिन यह आशा और यह उम्मीद भी है कि नई चादरें बदन पर फिर से आएगी, नया कंबल बदन पे फिर से आएगा। सुनो बिहार के नेता और बड़े अधिकारी, यह कंबल जो यहाँ वितरण हो रहा है वो तुम्हारे बाबूजी के पैसे से और किसी सरकारी फंड से नहीं हो रहा है। और जो हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जो खुद को समाज सेवी कहते हैं, उन्हें इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। ना यहाँ पे कोई सरकारी अधिकारी हैं, ना कोई बड़े पॉलिटिशियन हैं, ना कोई नेता हैं, लेकिन फिर भी कंबल इसलिए वितरण कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ठंड में गरीब मजदूरों को कंबल नहीं मिल रहा है तो उन्हें कंबल दिया जाना चाहिए। आइए हम बात करेंगे यहाँ पे जो कंबल वितरण कर रहे हैं उन लोगों से भी और आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। हट जाएगा थोड़ा चाचा आप। जो काम बड़े बड़े पॉलिटिशियन को करना चाहिए, नेता को करना चाहिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मगध लाइव की टीम ये क्यों दिखा रही है। तो अगर यहाँ पे कंबल वितरण नेता कर रहे होते तो मगध लाइव की टीम कतई नहीं दिखाती। अगर कोई सरकारी अधिकारी कर रहे होते तो मगध लाइव की टीम इस चीज़ को कतई नहीं दिखाती, लेकिन एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कंबल वितरण कर रहा है तो मैं इस चीज़ को दिखाऊंगा। और जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए और उस नेता को टैग करिए जो आपके क्षेत्र में और जो कहते हैं कि मैं बड़ा समाजसेवी हूँ, एक बड़ा पॉलिटिशियन हूँ। ठंड के दिनों में, बरसात के मौसम में जब आपकी जरूरत पड़ती है नेता लोग तो आप गायब हो जाते हैं और जब आपकी जरूरत पड़ती है तब आप दिखते नहीं हैं। चलिए हम बात करें यहाँ पे मौजूद लोगों से। आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? अजीब। किस लिए यहाँ आए हैं? कंबल लेना आए हैं? कसके बोलिए? मम्मी पापा ना। अच्छा, को मम्मी पापा नहीं है? तो कंबल लेने आए हैं आप? कहाँ घर हुआ आपका? काम का। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला आपको? सरकार मदद नहीं कर रही है? कहाँ सो रहे हैं हमारे बिहार के नेता? आप थोड़ा दिखाएंगे इस शख्स को, ये व्यक्ति शायद दिव्यांग भी है और आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है? देखिए हम किस काम के लिए आते हैं और क्या मिल जाता है, आँख में इन लोगों को देख कर आंसू आ जाता है। आप यहाँ कंबल लेने के लिए आए हैं, है ना? चलिए हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति जुड़ गए हैं। थोड़ा कैमरामैन चाचा आप थोड़ा इधर आ जाइएगा। कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे इस शख्स को कि किस उम्मीद, थोड़ा इधर आ जाइए चाचा, थोड़ा इधर घूम जाइए, इधर 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 घूम जाइए। किस उम्मीद और किस शख्सियत के साथ ये यहाँ पहुँचे हैं? इनका एज लगभग 90 से 95 वर्ष के लगभग होगा। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश सिंह। देखिए उम्र भले इनका ज़्यादा हो लेकिन आवाज में जो दम है वो बिल्कुल मानने लायक है। कहाँ घर हुआ आपका? यही फतेहपुर। किस लिए यहाँ आए हैं? कंबल, हमारा नाम लिखा थी। अच्छा, कंबल लेने के लिए। आपको पता है क्या, कोई सरकारी फंड से कंबल का वितरण नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ एक जो फतेहपुर के व्यक्ति हैं, जो शिक्षित व्यक्ति, उनके तरफ से कंबल वितरण हो रहा है। नेता से कंबल नहीं मिलता है आपको? नहीं। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज, हमारे साथ यहाँ फतेहपुर के अंचला अधिकारी मौजूद है। कैमरामैन फोकस करेंगे इस तस्वीर को। हमारे साथ फतेहपुर के अंचला अधिकारी है और यहाँ पे कंबल वितरण के लिए आए हैं। देखिए सरकारी फंड से कोई कंबल वितरण नहीं की जाती लेकिन जब कोई व्यक्ति कंबल वितरण करेंगे तो वहां तस्वीर खिंचाने हमारे अंचला अधिकारी जरूर आएंगे। आइए हम अंचला अधिकारी से भी बात करेंगे। थोड़ा आप साइड हटेंगे, एक ही मिनट, थोड़ा बात करने देंगे। सर पहले अपना परिचय देंगे आप। अशोक कुमार, अंचल अधिकारी फतेहपुर। यहाँ आने का खास कारण सर? बुलाया गया, कंबल वितरण कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। अच्छा, कोई सरकारी फंड से कंबल वितरण हो रही है क्या? नहीं नहीं सरकारी। तो ये अपना कर रहे हैं, निजी अपना। अच्छा, निजी अपना। सर मतलब ऐसा कोई फंडिंग आपके ब्लॉक स्तर पे नहीं आती जो मतलब ठंड के दिनों में गरीब मजदूरों को कंबल वितरण किया? हम लोग भी बांट रहे हैं। कहाँ कहाँ बांटे हैं सर अभी तक? अभी हम लोग हमारे स्तर से तो अभी 10-12 आदमी को बांटा गया है। ठीक है, और हम लोग चिन्हित करते हैं गांव में घूम के और जो भी उस टाइप के लोग मिलते हैं
तो मगध लाइव का जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो सुन लेंगे। हमारे सीओ साहब ने कहा कि चिन्हित करके लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा, तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें जरूरत हो कंबल का, सीओ साहब से संपर्क कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। कल कब से? हम लोग 2-3 दिन से बांट रहे हैं। चलिए फोकस करेंगे इस तस्वीर को, दिखाएंगे अंचलाधिकारी को, यहाँ पे मौजूद है कंबल वितरण में, और इन्होंने वादा किया है कि मैं भी उस व्यक्ति को कंबल बांटूंगा जिनको जरूरत है। आइए यहाँ पे जो कंबल वितरण कर रहे हैं उस शख्स की भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर राघवेंद्र कुमार। अच्छा, सरकारी डॉक्टर है? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट डॉक्टर है, सरकारी तनख्वाह नहीं उठा रहे हैं? नहीं। नेता है? नहीं। कोई घर में नेता है आपके? नहीं। नहीं है तो हमारे आगे चुनाव लड़ना क्या तैयारी कर रहे हैं नेता बनने का? उसका कोई जरूरत काहे ला ये सब कर रहे हैं झूठो? बस पब्लिक का नीड है, हम इतना गरीब को देखते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इतना आप समझते हैं? जरूरी है ना समझ। बिहार के नेता क्यों नहीं समझते हैं? अब भाई नेता अपने अपना बात वो खुद करेंगे ना, हम तो अपनी बात केवल कर सकते हैं। ऐसा आपको नहीं लगता कि अभी जरूरत है उन नेताओं को जो घर में सो रहे हैं, जो गर्म एसी की हवा ले रहे हैं? आखिर वोट लेते के लेने समय में यहाँ पे मौजूद होते हैं, सबसे हाथ जोड़ के वोट मांगते, अभी कहाँ सो जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? भगवान उन नेताओं को सन्मति दे। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर पुष्कर कृष्ण। अच्छा, क्या नेता बनने का तैयारी है आपको? यही सब कर रहे हैं, इतना बुरा दिन आ गया है तो फिर मतलब ये कंबल बांटने की क्या जरूरत थी? कंबल बांटा जाता है नेता बनके? हम एक आम आदमी हैं। अच्छा। हम पब्लिक की जरूरतों को समझते हैं, किसकी क्या जरूरत है, किसमें क्या कमी है। तो मुझे आप में सामर्थ है किसी को मदद करने का, तो भगवान अगर आपके पास दिए हैं उतना सामर्थ की आप दे सकते हैं, तो इससे बड़ा भला काम नहीं होता है। भविष्य में नेता नहीं बनना है आपको? चुनाव नहीं ना लड़ना है? डॉक्टर हैं, अच्छी खासी डॉक्टरी चल जाती है। अच्छा। इसीलिए जरूरत नहीं है इस चीज को करने की। सरकारी डॉक्टर नहीं है? जरूरत नहीं है, सरकारी नहीं, मान्यता प्राप्त है। लीजिए, यहाँ ना सरकारी फंड का रुपया है, ना यहाँ किसी का नेता का रुपया है, लेकिन कंबल वितरण और बिस्कुट का वितरण, कैलेंडर का वितरण सब कुछ हो रहा है। तो हमारे अगर बिहार के नेता जो वीडियो देख रहे हैं और जो सो रहे हैं, थोड़ा जागने का काम करेंगे महाराज, कहे कि बरसात के मौसम में और ठंड के मौसम में आप ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे बिल्ली को देखकर चूहा गायब हो जाता है। चलिए यहाँ पे भले सरकारी, चलिए हमारे साथ एक और फतेहपुर के अधिकारी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? यहाँ पे मौजूद होने का क्या कारण है सर, थोड़ा बता दें। यहाँ पे कंबल वितरण हो रहा था, उसके लिए। चलिए, स्वागत है सर आपका। थैंक यू। चलिए, वेलकम सर। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे सुना थाना प्रभारी महोदय को और यहाँ चला अधिकारी को, हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं। उधर से करवा दो ना सर। एक मिनट, यहाँ पे इतनी भीड़ लग चुकी है कि बात करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। थोड़ा चाचा, इसको थोड़ा, एक मिनट चाचा। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? कैमरामैन इस शख्स को दिखाएंगे, देखिए भाग रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन फोटो खिंचाने में सबसे आगे रहेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो कंबल वितरण हो रहा था, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं उस अमर राठौर। लेकिन मैं जाते जाते ये कहूंगा कि हमारे सरकारी अधिकारी, आप सोए मत, इस ठंड में जागे और उस छबनी में और उस गरीब तबके के जगह के पास जाइए जहाँ बिना कंबल बिना छत के लोग सो रहे हैं। और मैं नेताओं से गुजारिश करूंगा, अगर मगध लाइव के जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर कीजिए और टैग कीजिए उन नेताओं को जो वोट मांगने इन लोगों को जगह पर जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है इन लोगों को मदद करने की तो वो गायब हो जाते हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? दिलीप राम। कहाँ घर हुआ? फतेहपुर। फतेहपुर, कंबल बट रहा है? जी हाँ। पता है कि सरकारी फंड से नहीं बट रहा है? अच्छा अच्छा। सरकारी फंड से नहीं बट रहा है? अच्छा अच्छा। तो सरकारी फंड से कुछ मदद मिल रहा है, कंबल उम्बल मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है? नहीं कुछ मिला। यहाँ के एमपी विधायक नहीं आते हैं आपके पास? कोई नहीं। वोट मांगे लाएंगे? हाँ, वोट दीजिएगा ना मुचिहार के आप। इन्हें पूछिएगा कि जब ठंड के दिनों में ठंडा लगता है, बरसात के समय जब पानी चूता है तो सहारा दे। पूछेंगे तभी आवेगा तभी सर। अच्छा, नहीं आते हैं ना? कोई नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और उस नेताओं को दिखाइए कि साहब कहाँ सो रहे हैं, थोड़ा आएंगे और देखेंगे आपकी जरूरत है। क्या नाम हुआ? रामफल पासवान। कहाँ घर हुआ? रामराय चक। कहाँ आए हैं आप अभी? आए हैं तो कंबल मिल रहा था, सुने कि आए हैं। सरकारी फंड से नहीं मिल रहा? नहीं, सरकारी फंड से नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? कोई मदद नहीं, झोपड़ी 20 बरस से है। झोपड़ी में है? झोपड़ी में भी डीएम पास करके गया, इंदिरा आवास मिलता है सब गरीब में? नहीं मिला है, तो डीएम पास करके आज तक नहीं मिला। जिलाधिकारी पास करके गए, महामहिम जो जिला के मालिक है वो पास कर, नहीं मिला। नहीं मिला जी? नहीं। ए हो डीएम साहब, इतना बेइज्जती करवाइएगा आप, कब की बात है? हो गया जो रोड अमराय चक में बन रहा था ना, वही टाइम का है। तो डीएम साहब आदेश दिया, लेकिन नहीं मिला आपको? नहीं मिला। कौन डीएम थे, नाम बताइए? वो थे शायद
एक साल के पहले ही की बात कर। अच्छा, हम खाली नेता को ही कह रहे लेंगे, हम डीएम साहब को भी रे लेंगे। डीएम साहब कह के चल गए किंद्रा आवास दे दियो, और नेता लोग जो भी सो जाते हैं सबको सामने, सीओ साहब तेजप्रियाल सबको सामने कह के गए तो साहब। अच्छा, ये काम करिएगा, आप बोल रहे हैं कि कंबल वितरण हम भी कर रहे हैं, एक दिन जाके ब्लॉक को हम संपर्क कर लीजिएगा इनसे, ठीक है? ठीक, समझ गए ना। लेकिन इंदिरा आवास के लिए संपर्क करिएगा कि हमको इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला। हाँ, एकदम बात वास्तविक। देखिए, सीओ साहब जा रहे हैं, आप इनसे संपर्क करिएगा, इनको डीएम साहब आदेश दिए थे इंदिरा आवास के लिए, लेकिन मिला नहीं, थोड़ा आप देख लेंगे सर अपने। ठीक 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 है सर, ब्लॉक में जाएंगे ये। हाँ, मिलिएगा। हाँ, जरूर जरूर। चलिए, तो सीओ साहब ने कहा कि मैं इनसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं मगध लाइव, और मैं हूं समर राठौर, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।